नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एग्ज़ाम टी पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। जैसे रूट 7 है, इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कितना आएगा। 18 है, इसका आप रूट निकालोगे तो कितना आएगा। रूट में 10 है, इसका कितना आएगा। रूट 17 है, रूट 28 है, रूट 39 है, रूट में 65 है, रूट में 53 है, रूट में 32 है। जैसे 16, 25, 36, 49, 64, 81, इनका तो आपको आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इनके अलावा जो भी नंबर है उनका आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, वर्गमूल आपको निकालना है इसका। तो देखो, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर नंबर आपको एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, ये नंबर दिया हुआ होगा, तो आपको इसका रूट कैसे करना है। रूट में एक्स, फिर प्लस माइनस, फिर वाई अपॉन टू रूट एक्स, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। और इस फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको करके बताऊंगा। जैसे पहला ले लिया आपने, अगर रूट 17 ले लिया, चलो रूट 17 ले लिया, तो रूट 17 को मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया 16 प्लस 1। और यहाँ पे जो अक्स है, ये अक्स हमेशा एक परफेक्ट नंबर ही आपको बनाना है। सो प्लस माइनस आप कर सकते हो, लेकिन एक्स हमेशा एक परफेक्ट नंबर ही होगा। वो आप जैसे एग्जांपल कराऊंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे ये परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है, एक्स वाला। तो यहाँ पे देखो, 17 को मैंने 16 प्लस ए कर लिया, तो ये तो एक्स हो गया, बीच में प्लस और वाई की जगह 1 हो गया। अब ये देखो क्या बनेगा, रूट में 16 प्लस तो प्लस, और वाई की जगह यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन 2। अब रूट में एक्स है, तो एक्स की जगह क्या था, 16, ये हो गया। अब देखो, रूट में 16 है, इसका तो हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 2, एर 16 का हो जाएगा 4, तो ये 4 प्लस 1/8। अब यहाँ पे देखो, 4 तो है ही, और 1/8 इसका मान कितना होता है, 0.125, तो ये हो जाएगा 4.125, ये हो जाएगा रूट 17 की वैल्यू। इस टाइप से आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब जैसे मैं ले रहा हूँ 28, जैसे रूट में 28 है, इसका आपको निकालना है। तो पहली वाली संख्या एक्स है, उसको तो परफेक्ट नंबर में लिखना है आपको, और वो नियरेस्ट होनी चाहिए किसी भी स्क्वायर के। इसको मैंने 28 को मैंने देखो किया 25 प्लस 3 28 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक्स की जगह तो कितना है, 25, और वाई की जगह 3। अब इसका देखो कैसे निकालोगे, रूट में एक्स, देखो रूट में एक्स फॉर्मूला में लिख देता हूँ, रूट में एक्स प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस कर देते, प्लस है तो प्लस कर दिया, और वाई अपॉन टू रूट एक्स। अब देखो एक्स है, एक्स की जगह तो 25 है, तो रूट में एक्स तो 25 हो जाएगा, और वाई का मान यहाँ पे 3 है, ये 2, और रूट में 25। अब ये रूट में 25 है, ये तो हो जाएगा 5, ये 3 तो ऊपर है ही, और नीचे 2 इंटू रूट में 25 का हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/5 = 10, तो ये 10 है, तो इसका पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.3, तो ये 5.3, ये हो जाएगा रूट में 28 की वैल्यू। इस तरीके से आप कोई भी नंबर हो उसका ये स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे एक ले लिया मैंने 65 का, अब जैसे हम 65 का ले रहा, 65 का इसको मैंने ब्रेक कर लिया
64 प्लस 1 में ये हमेशा परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो फॉर्मूला आपको लगाना है रूट एक्स प्लस माइनस वाई और 2/√x। अब देखो रूट एक्स है, रूट एक्स की जगह तो क्या है, एक्स का मान 64 हो गया प्लस वाई का मान 1 है और 2 रूट में एक्स है, तो एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पे 64। अब 64 है ये तो हो जाएगा 8 का प्लस, और ये हो जाएगा 1/2, ये 8 है। अब 8 प्लस 1/16, अब आप 1 के अंदर ये 16 का भाग लगाओगे तो 8 पॉइंट, यहाँ पे देखो 16 के अंदर भाग लगाओगे तो पहले यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो 8.06 ऐसे कुछ आएगा। आप जैसे इसका भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा √65 की वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।